बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कॉनिक सेक्शंस। और कॉनिक सेक्शंस में हम एक्सरसाइज नंबर 6.6 सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.6 का ये पार्ट नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 1 हमने पार्ट नंबर 1 में कवर किया है। अब हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की क्या स्टेटमेंट है मैं पहले वो लिखूँगा यहाँ पर। स्टेटमेंट ये है फाइंड द सेंटर, फाइंड द सेंटर पॉइंट फोकाई एक्सेंट्रिसिटी और उसके अलावा वर्टिसेस एंड इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशंस of directrices of hyperbola। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सेंटर पॉइंट है, फोकाई है, एक्सेंट्रिसिटी है, वर्टिसेस है, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस है, मतलब कि हमने ये सब के सब एलिमेंट्स जो हैं हाइपरबोला के वो फाइंड आउट करने हैं। और जबकि इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, गिवन हमें जो है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। ठीक है, तो इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो गिवन है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है? नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस क्या है? एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, या फिर वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये दो जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला है। तो अब यहाँ पर हमें जो इक्वेशन गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको किस तरह से लेके आएंगे? अगर मैं राइट साइड को 1 बना दूँ, तो ये राइट साइड किस तरह से 1 बनेगी, यानी कि पूरी इक्वेशन को मुझे 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइडिंग इसको चले हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 9। ठीक है, तो चलें पूरी इक्वेशन को हम 9 से डिवाइड करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वेयर ओवर 9 इज इक्वल टू 9/9, जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमारी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, अब ये वाली इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं, इसको मैं स्क्वेयर की अगर फॉर्म में लिखूँ तो ये एक्स स्क्वेयर ओवर 3 का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखें, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड में हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड में हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को आप कंपेयर करें तो ए की वैल्यू जो है वो 3 आती है और बी की वैल्यू भी 3 आ जाती है। ठीक है, अब ये ए और बी की जब हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं तो हम सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो अब इसमें ए और बी की वैल्यूज आप पुट कर दें और इसमें से सी की वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें पुट कर देते हैं, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर, तो ये बन जाता है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज 18। तो हमें c की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड पे हम स्क्वेयर रूट ले लेते हैं, तो c इज इक्वल टू 18 का स्क्वेयर रूट लें तो 3 स्क्वेयर रूट ऑफ 2 बनता है। तो ये हमारे पास c की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है। अब हम जो है इसमें से सेंटर ऑफ हाइपरबोला लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह के हमारे पास हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, तो इससे कंपेयर करके देखा है बिल्कुल सेम ये इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक है,
ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सेंटर जो है, सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0, 0 होंगे। उसके अलावा, सेंटर के अलावा एक्सेंट्रिसिटी की बात करते हैं, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी पॉइंट जो है वो, यानी कि पॉइंट तो नहीं होता, एक्सेंट्रिसिटी ई है, ठीक है। तो ई की वैल्यू जो है वो सी ओवर ए के इक्वल होती है, ठीक है। सी की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है जो कि 3√2 है, और ए की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि 3 है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके ई इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, √2, ठीक है। तो मतलब ई हम एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हैं, सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हम यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या है, सेंटर भी हम देख चुके हैं, ये सेंटर पॉइंट, उसके अलावा एक्सेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। फोकाई, वर्टिसेस और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस रह गए हैं, वो हम अब देखते हैं। अब जैसा कि हमने इक्वेशन देखी है x² / a² - y² / b² = 1 की फॉर्म में, तो इसका ये मतलब है कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस हैं, ठीक है, हाइपरबोला के जो ट्रांसवर्स एक्सिस हैं वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एज ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस के जब ये अलॉन्ग है ट्रांसवर्स एक्सिस, तो फोकाई क्या बनेंगे, फोकाई जो है उसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ±c,0, ये फुकाए के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पर हम c की वैल्यूज पुट करें और हम लिख सकते हैं फुकाए के कोऑर्डिनेट्स, फुकाए फिर क्या बन जाएगा, प्लस माइनस जो है 3√2,0, मतलब ये मैंने c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो फुकाए के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने जो है वर्टिसेस भी देखना था, तो वर्टिसेस भी इस इक्वेशन यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो वर्टिसेस भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे होंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वर्टिसेस जो हैं वो हमारी इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन की यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ±a,0 बनते हैं, ठीक है। तो अब ये a की वैल्यू हमारे पास तो मौजूद है, तो हम यहाँ से a की जगह जो है उसकी वैल्यू यूज़ करेंगे ±3,0, ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, ठीक है, वर्टिसेस। ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं जी वर्टिसेस। उसके अलावा जो है हमने डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी थी, तो डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन आपको पता है कि डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन जो है वो किसके इक्वल होती है, x = ±a/e के इक्वल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, e की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, तो हम दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की वैल्यू तो हमें पता है कि 3 है, और e की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू जो कि √2 है, तो डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस भी हमारे पास आ चुकी हैं। तो यही हमें एलिमेंट्स जो हैं इस यानी कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थे, तो जो कि हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम है, ठीक है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। थर्ड पार्ट पर आते हैं, थर्ड पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है, हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ही गिवन है, लेकिन वो सेकंड फॉर्म में है, ठीक है, मतलब y² / 16 - x² / 9 = 1। तो हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो कि x² / a² - y² / b² = 1 होती है, और एक y² / a² - x² / b² = 1, ये दो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। तो इसमें से जो है सेकंड वाली जो है वो इससे कंपेयर करके देखें तो सेम बन रही है, मतलब कि ये फॉर्म हमारे पास है, ठीक है, जो गिवन हमें इक्वेशन है। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, ये इस केस में ये होता है कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस हैं वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन वी कैन से दैट ट्रांसवर्स एक्सिस आर
अलॉन्ग वाई एक्सिस। जब ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो हमारा जो वर्टेक्स पॉइंट है, वर्टिसेस पॉइंट्स हैं, फुकाए हैं, वो सब के सब वाई एक्सिस पे लाइक करे होंगे, लेकिन सेंटर पॉइंट सेम वही 0.0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट वो ओरिजिन ही है जिसके कोऑर्डिनेट 0.0 है। अब हम बाकी पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस इन दोनों इक्वेशंस को आप अगर कंपेयर करें तो आपके पास एक ए स्क्वायर जो है वो 16 के इक्वल आ रहा है, मतलब कि आप ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेकर तो ए इज इक्वल टू 4 बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है बी स्क्वायर भी आप कंपेयर करें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आता है 9 के। ठीक है, अब बी हमने फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें और बी की वैल्यू आपके पास जो है वो 3 आ जाएगी, मतलब ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू दोबारा से फाइंड आउट करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इसमें ए की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर जो है 9, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया और सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट, सी इज इक्वल टू ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज जब आ चुकी हैं तो अब हम जो है एक्सेंट्रिसिटी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी एक्सेंट्रिसिटी जिस तरह के इक्वल टू सी ओवर ए है। ठीक है, तो c की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर और a की भी वैल्यू पुट करते हैं। c हमारे पास 5 है, ये अभी हमने फाइंड आउट किया, और a की वैल्यू जो है वो 4 है जो हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5/4। अच्छा, अब ये तो आ चुकी है, उसके अलावा हमने देखा कि ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो फिर फुकाई पॉइंट्स क्या बनेंगे? फुकाई पॉइंट्स जनरली मैं कहूँ तो 0.± c बनते हैं। ठीक है, और c की वैल्यू तो आपके पास है जो अभी हमने फाइंड आउट की है, तो फुकाई के कोऑर्डिनेट 0.± 5 बन जाते हैं। ठीक है, एक ये फुकाई हो गया, उसके अलावा हमने सेंटर पॉइंट भी देख लिया है। ठीक है, अब हम वर्टिसेस भी देख लेते हैं। वर्टिसेस इस इक्वेशन के मुताबिक, हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन के मुताबिक 0.± a होता है। ठीक है, a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये प्लस माइनस 0.± जो है 4 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं। और फिर डायरेक्ट्रिसेस की हमें जो है इक्वेशन चाहिए, डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन y इज इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर e होती है। ठीक है, तो यहाँ पर a और e की वैल्यूज़ आप पुट कर दें तो ये बन जाएगी प्लस माइनस 16/5, तो y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमारे पास ये डायरेक्ट्रिसेस की भी इक्वेशंस आ चुकी हैं। तो ये सब के सब एलिमेंट्स हमने यहाँ इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने थे जो कि हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, दोनों तरह की जो इक्वेशंस हैं, दोनों फॉर्म्स में जो इक्वेशंस हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स में, वो मैंने यहाँ आपके सामने जो है वो उसके एलिमेंट्स फाइंड आउट किए हैं। तो बाकी के एलिमेंट यानी कि क्वेश्चन जो हैं पार्ट्स इसके आप खुद से ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं उनको। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसकी स्टेटमेंट मैं यहां पर लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, लेट ए की वैल्यू हमें दी हुई है कि ग्रेटर देन सी होगी और बल्कि लेस देन सी होगी। ठीक है, लेस देन सी होगी और ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, यानी कि उसकी रेंज बताई है कि 0 से सी तक के दरमियान में होगी, और उसके अलावा एंड फोकाई या फोकस पॉइंट्स दोनों जो हैं, एक एफ जो है उसके -c,0 और एफ डैश जो है उसका +c,0, ये फोकाई पॉइंट्स हैं। उसके अलावा जो है
बल्कि आप इसे कह लें कि ये दो पॉइंट्स हैं, एक एफ है और एक एफ डैश है, और ए की रेंज हमें बताइए 0 से सी तक है। तो हमने जो है ये प्रूव करना है, शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स, कोई से भी पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई जनरलाइज किए हुए हैं, ठीक है, सच दैट पी एफ जो डिस्टेंस है माइनस पी एफ डैश जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a है, ठीक है, इज़ दी हाइपरबोला। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हमें एक ही रेंज गिवन है 0 से सी तक है, और एक पॉइंट एफ पॉइंट है, एक एफ डैश पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, और हमें कहा है कि सेट ऑफ पॉइंट्स इज़ हाइपरबोला इफ़ पी एफ माइनस पी एफ डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। ठीक है, तो ये चीज़ पी एफ माइनस पी एफ डैश जो है इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a, ये इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, और ये तीन चीज़ें भी हमें गिवन है, एफ और एफ डैश और ए की रेंज, इन सब को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, हम कहेंगे कि ये हाइपरबोला की इक्वेशन वाकई इससे बनती है, शो करना हमने। तो चलें, जैसे कि हमें पी पॉइंट भी गिवन है, ठीक है, और एफ पॉइंट भी गिवन है, तो पी एफ डिस्टेंस हम क्यों ना फाइंड आउट कर लें। पी एफ डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा फिर, एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको मज़ीद मैं सॉल्व करके लिखना चाहूँ तो एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये पी एफ डिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से पी पॉइंट और एफ डैश पॉइंट भी हमें गिवन है, तो पी एफ डैश का डिस्टेंस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे एक्स माइनस सी का स्क्वायर, उसके कोऑर्डिनेट्स की बना तो उसके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, वाई माइनस ज़ीरो का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। मज़ीद इसको सॉल्व करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। पी एफ डिस्टेंस भी आ चुका है, पी एफ डैश डिस्टेंस भी आ चुका है, ये मैंने क्यों फाइंड आउट की हुई है, क्योंकि मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें मैं पुट करने जा रहा हूँ। ठीक है, पी एफ डैश और पी एफ डिस्टेंस की वैल्यूज़, तो इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा से, पी एफ डिस्टेंस माइनस पी एफ डैश डिस्टेंस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। अब यहाँ पर पी एफ क्या है, किसके इक्वल है, एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, माइनस एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। और इस इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए एक स्क्वायर रूट वाली टर्म मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ, जो नेगेटिव है उसको मैं ले जाता हूँ। चलें, तो x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a प्लस एक्स माइनस सी का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करना है कि मैं इनके ऊपर स्क्वायर रूट्स हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स के ऊपर, तो मैं इन स्क्वायर रूट्स को जो है सॉल्व करने के लिए या ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 4a स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस c स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब इसका मैंने स्क्वायर रूट दोनों साइड पे स्क्वायर लिया और उसको ओपन भी मैंने कर दिया। ठीक है, तो मज़ीद आप इसको जो है सॉल्व करते जाएंगे और एंड पे आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है आफ्टर सॉल्विंग। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप जो है
अगर इस टर्म से डिवाइड करते हैं यानी कि सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर से डिवाइड यानी कि राइट साइड जो टर्म है इससे मैं डिवाइड कर दूं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है, इससे हम डिवाइड कर लेते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है जो कि आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। अगर आप इससे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर जो है वो बी स्क्वेयर के इक्वल होती है क्योंकि आपको पता है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होता है। ठीक है, तो ये हम इसे दोबारा से रीऐड करें तो एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन बनता है। ठीक है, जो कि हाइपरबोला है। ठीक है, हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। तो यही हमने यहाँ पर शो करना था कि जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं पी पॉइंट्स अगर ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो वो पॉइंट्स मिलकर हाइपरबोला बनाते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस लेक्चर का टाइम यहाँ पर कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।